दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो कहीं पे कॉल कर रहे हो जियो के सिम से, तो आपका कॉल नहीं लग पा रहा है, कॉल एंड का वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, कॉल कट जाता है। तो एक्चुअली में ये कैसा लगता है कि किसी ने इनवाइट कर दिया आपको खाने के लिए और खाना दिया ही नहीं, तो लाइक उस टाइप का लगता है कि खाना तो सामने है लेकिन फिर भी नहीं खा पा रहे हैं। तो किसी को इमरजेंसी में कॉल करना चाहते हो लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दो सेटिंग्स बताऊँगा जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो चुटकी में, बहुत ही आसानी से। अब बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चलिए सीधे चलते हैं मुद्दा पे, कैसे इसको सही करना है अपने फोन में जियो के सिम पे। तो दोस्तों जियो के सिम पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देखिए सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं कि रिचार्ज खत्म हो जाता है जियो के सिम पे और वो कॉल करते रहते हैं, उनको मैसेज मिलता है लेकिन वो नोटिस नहीं करते हैं, तो वो कॉल करेंगे तो कैसे लगेगा। तो सबसे पहले आपके फोन में जियो के सिम पे रिचार्ज होना चाहिए। अब मुझे कॉमेंट करके बताओगे कि तुम्हें पता नहीं मेरे फोन में रिचार्ज है, तो ठीक है आपके फोन में रिचार्ज है, बहुत अच्छा। अब आपको जो मैं दो सेटिंग्स बताने वाला हूँ उसको अपने फोन में आपको कर देना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के डायलर को ओपन करना है। डायलर को ओपन करने के बाद में वहां पे आपको #31# ये नंबर आपको डालना है और अपने जियो के सिम से कॉल कर देना है। जैसे आप कॉल करेंगे तो एक आपको इन्फो मिलेगा वहां पे कि आउटगोइंग कॉलर आईडी हैव बीन डिसेबल, ठीक है, आपको एक मैसेज मिलेगा। तो अगर डिसेबल्ड आता है तो आपका ये प्रॉब्लम वहां से फिक्स हो गया, ये सही हो गया। अब आपको दूसरा सेटिंग्स एक और बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक सेटिंग्स करने से नहीं होता, एक सेटिंग्स आपको और ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल के सिम वाले सेटिंग्स में। सिम वाले सेटिंग्स में जाओगे तो वहां पे आपको अपने जियो सिम को सिलेक्ट करना है। जियो सिम को सिलेक्ट करोगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज बोल्टी, यूज बोल्टी का जो ऑप्शन है उसको एक बटन मिलेगा वहां पे, उस बटन को ऑन करके रखना है। ऑन जैसे ही कर देते हो तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है मात्र दो सेटिंग से। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनी जिसमें पांच सेटिंग्स बताया, तो उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक एंड स्क्रीन में और आई बटन तीनों जगह में दे दूंगा। उस वीडियो को अगर देखते हो तो आपको पांच सेटिंग्स सीखने को मिलेगा जिससे कि इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं होता है तो उस वीडियो को जाकर के जरूर से देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।